Hello, Congrats family. So here I am, Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का अकाउंट्स एंड मैंने आपको डिटेल सिलेबस बता दिया है. ऑलरेडी हम एक लेक्चर कर चुके हैं एंड यहाँ पर हम आज नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. सो पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या-क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए. सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से एंड देखते हैं क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर लीगली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पीरियडिकली असेसेस द प्रॉफिट अर्न एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज ऑन स्पेसिफाइड डेट. देखो जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनको लीगली जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बनाने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, उनको जरूरत होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की. किस लिए जरूरत होती है? प्रॉफिट अर्न जो भी किया है उसको एसेस करने के लिए और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए किसी भी एक स्पेसिफाइड डेट को. ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं? जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है वो दिखाते हैं एंड जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो करते हैं. दस एज इन केस ऑफ अदर बिजनेस एंटरप्राइज अ लिमिटेड कंपनी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. अब देखो अगर हम बात करें लिमिटेड कंपनी की, देन लिमिटेड कंपनी क्या प्रिपेयर करती है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. इसका फॉर्मेट अभी हम आगे देखने वाले हैं. द लीगल रिक्वायरमेंट लेड डाउन बाय कंपनीज एक्ट देयरफॉर अज्यूम अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम जो कंपनीज एक्ट के लीगल रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं. मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मतलब है एंड इसके क्या नेचर होते हैं. ठीक है, एवरी बिजनेस कंसर्न वॉन्ट टू नो वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. देखो हर बिजनेस का कंसर्न होता है ये जानना कि हमारी जो भी बिजनेस फर्म है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, ताकि हम उसी हिसाब से जो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके कि हमें जो आगे डिसीजंस लेने हैं उनको हम इफिशियंटली ले सके. ठीक है, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस टू डिस्क्लोज इट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड डेटा कलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन. जो भी अकाउंट्स में प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस हैं उनको यूज करके उनके बेसिस पर डेटा इकट्ठा करना, किस लिए? ताकि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कर सके. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे किसी भी कंपनी की अगर बैलेंस शीट आप देखते हो, देन बैलेंस शीट देख के पता लग जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखते हो कि कंपनी को लास्ट ईयर्स में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या पोजीशन है कंपनी की, उससे पता लग जाता है. ठीक है, सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रॉडली ग्रुप्ड इन टू स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपके अगर बड़े बड़े टर्म्स में हम बात करें तो दो स्टेटमेंट में डिवाइड है. पहला है इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा है बैलेंस शीट. ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे, ट्रेडिंग पी एंड एल है ना, तो वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में आ जाएंगे एंड देन सेकेंड है हमारा बैलेंस शीट. नेचर क्या होता है? नेचर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका क्या नेचर है? सारे रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं उसमें. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे गैप, उसके हिसाब से सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं. पर्सनल जजमेंट इसमें इफेक्ट करता है. ठीक है, सो जो भी पर्सनल जजमेंट होता है उससे इफेक्ट पड़ता है इसमें. एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं उनको यूज किया जाता है, उसी बेसिस पर यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस ऑब्जेक्ट को लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स ऑफ फाइनेंस. सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है उनके बारे में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब कि बिजनेस फर्म को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है. ठीक है, अब वो फाइनेंस आ कहां से रहा है, उसके क्या सोर्स है, उसकी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देता है. प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी की क्या है, कि प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है. ठीक है,
वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, देन प्रोवाइड सफिशियंट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं बिजनेस फर्म में, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको लेके, क्या उनका रिजल्ट क्या होगा उस चीज को लेके सफिशियंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन एंड कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेके यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या लिमिटेशन होती है। सो फर्स्ट है डू नॉट कम्युनिकेट मच अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा कम्युनिकेट नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। डिस्क्लोज ओनली मॉनिटरी फैक्ट्स, क्योंकि जो भी हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो सारे हम किस में बनाएंगे, जो भी चीजें इन टर्म्स ऑफ मनी है, ठीक है, मनी के टर्म्स में जो चीजें हमें दे रखी हैं वही हमारे क्या होते हैं, मॉनिटरी फैक्ट्स होते हैं। सो वो सारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सारे जो चीजें डिस्क्लोज होती हैं वो मॉनिटरी होती है। डिस्क्लोज ओनली हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, सो इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हिस्टोरिकल होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखना। टर्म एनालिसिस रेफर टू रीअरेंजमेंट ऑफ डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब क्या है, डेटा को रीअरेंज करना, जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसको रीअरेंज करना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसको सिंप्लीफाई करना बाय मैथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी डेटा गिवन है उसमें जो भी मेथड्स लगाने हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए जिससे डेटा सिंपल हो सके उसको हम बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। Then the term interpretation refers to explaining the meaning and significance of the data, so simplified. देखो अब पहले होता है हमारा data collection, collect कर लिया, ठीक है, collect कर लिया, उसके बाद उसको analyze करेंगे या classify करेंगे, ठीक है। Analysis होने के बाद, अब analysis हो गया, उसके बाद उसको interpret करेंगे। Interpret का मतलब कि उसको इस तरीके से explain करना कि उसकी जो importance है, उसका जो meaning है वो समझ में आए, ठीक है। जो भी data simplified किया गया है, एनालिसिस किया गया है, उसको मीनिंगफुल बनाना, उसको बोलते हैं हम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल फिगर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैक्ट्स एंड फिगर गिवन है उनको एक मीनिंगफुल और यूजफुल फिगर बनाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। टाइप्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, टाइप्स कितने होते हैं। द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, बट यहाँ पर दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मटेरियल यूज्ड एंड सेकंड है मॉडस ऑपरेटिंग मेथड्स ऑफ ऑपरेशन टू बी फॉलोड। सो इन के बेसिस पर यहाँ पर जो भी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के टाइप्स हैं उनको दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, फर्स्ट है हमारा मटेरियल यूज्ड, देन सेकंड है मॉडस ऑपरेटिंग। मटेरियल यूज्ड में हमारा फर्स्ट आ जाता है इंटरनल। अब देखो इंटरनल में क्या कि कोई भी बिजनेस फर्म है उसके अंदर जो सारे लोग हैं, अंदर का मतलब जैसे एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय क्या होते हैं बिजनेस के अंदर है, सो वो इंटरनल में आएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज जो हैं वो एनालिसिस एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि वो बिजनेस फर्म के अंदर हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट वो पहुंच सकते हैं उस तक एंड जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में कौन से आते हैं, बिजनेस फर्म के बाहर जो होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। सो जो भी क्रेडिटर या इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सो उसको आपके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो देखने होंगे कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तभी तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। सो एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर आ जाएंगे। एंड मॉडस ऑपरेंटी में होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको जो प्रीवियस ईयर है, जैसे मान लो 2024 चल रहा है, सो 23 में एंड 22 में एंड 21 में जो प्रीवियस ईयर है उसमें क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहे हैं, क्या पोजीशन रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है वो देखते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एंड इसको हम बोल सकते हैं डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को हम बोलते हैं डायनेमिक एनालिसिस।
एंड देन नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। सो वर्टिकल एनालिसिस को हम कह सकते हैं, ये जो हमारा एनालिसिस होता है वर्टिकल एनालिसिस, वो होता है स्टैटिक एनालिसिस। सो स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है, सो इसमें जो एनालिसिस होता है वो रेशियोज को यूज करके बनाया जाता है, और जो भी चीजें निकाली जाती हैं वो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें रेशियो को यूज करके निकाला जाएगा, एंड इसमें जो प्रीवियस ईयर जो भी ट्रेंड रहा होगा उसको देखकर निकाला जाएगा। ठीक है, सो एनालिसिस समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल में क्या होगा, जो इन द ऑर्गेनाइजेशन पीपल है वो कर सकते हैं, एंड एक्सटर्नल में जो बाहर के लोग हैं जैसे क्रेडिटर इन्वेस्टर वो कर सकते हैं। मॉडस ऑपरेंडी में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल को हम डायनेमिक बोल सकते हैं एंड वर्टिकल को स्टैटिक बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में प्रीवियस ईयर का देखा जाता है, उनको एनालाइज करके देखा जाता है जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, एंड वर्टिकल में जो है वो रेशियोज को यूज करके देखा जाता है एनालिसिस। सो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसके क्या फॉर्मेट होते हैं। सो फर्स्ट है आपका पीएनएल का फॉर्मेट। इतना लंबा है, बट इतना लंबा आपको क्वेश्चन में नहीं बनाना है। ये वो सारी चीजें हैं जो पीएनएल में आपको गिवन है, ये सारी चीजें लगानी है, बट आपका जो क्वेश्चन है उसमें सारी चीजें नहीं दी गई होंगी। कौन सी चीज को कहाँ लगाना है वो देखना है फॉर्मेट में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। फर्स्ट है हमारा ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल में क्या आ जाता है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल दोनों को ऐड करते हैं, देन हमारी आती है ग्रॉस सेल। उसमें से हम जो भी अलाउंसेस है और रिटर्न है उसको माइनस कर देंगे, देन हमारी आ जाएगी नेट सेल। ठीक है, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देन उसके बाद जो है डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे, जो फैक्ट्री एक्सपेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरिज इनवर्ड, फैक्ट्री पावर, वेजेस, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, एंड देन हम इसका टोटल कर लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो भी फिनिश गुड का होगा, देन ऐड करेंगे परचेजेस एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी आपका ओपनिंग एंड परचेजेस है ऐड करना है एंड देन क्लोजिंग स्टॉक उसमें से माइनस कर देना है, देन आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन जो आएगा उसमें से आपको माइनस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आ जाते हैं वो आपको गिवन है, ऑफिस एक्सपेंस, रेंट टैक्सेस, इंश्योरेंस, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑडिट फी, रिपेयर, ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एसेट्स एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम। देखो जो भी फैक्ट्री की सारी चीजें हैं वो हमारी ग्रॉस में आ जाएंगी, जो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का टोटल आने के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस उसमें से निकालेंगे। सेलिंग एक्सपेंस में हमारे सैलरीज आ जाएगा, रेंट शॉप आ जाएगा एंड ट्रेड सेल्स डिस्काउंट कमीशन आ जाएगा, नॉर्मल बैड डेट, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस या फिर वैन एक्सपेंस। ठीक है, ये आ गए थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। उसके बाद निकालेंगे फाइनेंस एक्सपेंस। फाइनेंस एक्सपेंस में आ जाएगा कैश डिस्काउंट, बैंक चार्ज, एबनॉर्मल बैड डेट, देन फाइनेंस आ गए। उसके बाद टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पे, जिस भी चीज पे इंटरेस्ट पे किया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, लोन हो या फिर पब्लिक डिपोजिट हो या कोई टर्म लोन हो, उसका इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट पेड आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। देन हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आ जाएगा हमारा डिविडेंड ऑन शेयर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डैमेजेस रिसीव्ड, रॉयल्टी, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। उसके बाद माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डैमेजेस पेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एंड फी एंड पेनल्टी, ये सारे आ जाएंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स आ गया उसके बाद एड करेंगे जो भी पी एंड एल गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसमें से जो भी अप्रोप्रिएशन है वो माइनस कर देंगे,
सो यहाँ पर हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ सिंकिंग फंड, डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड एंड ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ये आ जाएंगे हमारे एप्रोप्रिएशन, ठीक है। यहाँ पर जो भी रिटेन्ड अर्निंग होगी वो आ जाएगी। तो ये है हमारा पीएनएल का फॉर्मेट। इसमें आपको कैसे कैसे किस तरीके से लगानी है, क्या क्या चीजें माइनस करनी है एंड क्या चीजें एड करनी है वो देखना है। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जो आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है, जो आपने 12th में स्केड्यूल 3rd वाली बैलेंस शीट पढ़ी होगी वही फॉर्मेट है इसमें भी। यहाँ पर सबसे पहले है इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल आ जाएगी दोनों की ऐड करके। देन जो अनपेड कॉल्स होंगी वो उसमें से माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे फोरफीटेड शेयर्स। देन रिजर्व सरप्लस में हमारे जो भी रिजर्व होंगे, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व, वो सारे आ जाएंगे। एंड थर्ड है हमारा लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट, इसमें पीएनएल, डेबिट बैलेंस और जो भी एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, शेयर इशू एक्सपेंस है या डिस्काउंट ऑन इशू है वो आ जाएगा। देन है ओनर्स फंड और नेटवर्थ। ओनर्स फंड या नेटवर्थ कैसे निकल के आएगी, जो हमने शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस निकाला है वो ऐड कर लेंगे, उसमें से जो भी लॉसेस या फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा। देन है लोन फंड, लोन, टर्म लोन, डिबेंचर और बॉन्ड, लोन फ्रॉम बैंक, लोन आ जाएंगे हमारे सारे पब्लिक डिपोजिट, शॉर्ट टर्म लोन, अदर लोन। देन हमारा ओन फंड निकलेगा, जो भी हमारे शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन होंगे, ठीक है। टोटल फंड अवेलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें है एप्लीकेशन ऑफ फंड, जो भी फिक्स्ड एसेट होंगे, फिक्स कौन से होते हैं, जो भी टेंजिबल है, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट में आ जाते हैं, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे। प्रोविजन जो भी होगा फिक्स्ड एसेट पर या किसी भी चीज पर जो भी प्रोविजन गिवन है वो माइनस कर देंगे। देन नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें आ जाती है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट कैसे निकल के आएंगे, टेंजिबल प्लस इनटेंजिबल, ठीक है। देन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप फर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स। देन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में आपकी कौन कौन सी चीजें आती हैं, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज आते हैं। सो क्विक एसेट जो होंगे कैश, बैंक, डेटर्स एंड इसमें से लेस कर देंगे आरडीडी एंड जो भी बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट या एक्रूड इनकम, लोन्स, एडवांस, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, एडवांस और फॉर गुड्स, ठीक है, ये। एंड देन माइनस कर देंगे उसमें से करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आती है हमारी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एडवांस, एक्सपेंस पेबल, एक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड अनक्लेम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन फिर आ जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो यहाँ पर हमारे निकल आएंगे नेट करंट एसेट, नेट करंट एसेट कैसे निकल के आएंगे, क्विक एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। सो टोटल एप्लीकेशन फंड आपका आ जाएगा यहाँ पर। ये है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट। थोड़ा सा दिखने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ये फॉर्मेट आपका रहेगा। क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं आनी है बट आपको देखनी है कि सारी चीजें किस तरीके से लगानी है, ठीक है। पीएनएल एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। एंड हम देखते हैं अब कुछ मैचिंग्स, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा है देन आपको खुद से समझ आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको मैच करना है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। फर्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, कहाँ से इकट्ठा होता है फंड, उसका सोर्स क्या है, नेटवर्थ प्लस लोन फंड। सो इसमें क्या हो जाएगा, ए का जो हो जाएगा वो होगा सेकंड, ठीक है। सो सेकंड हो जाएगा ए का। देन है लिक्विड एसेट फंड। लिक्विड एसेट कौन से होते हैं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री जो हम माइनस करते हैं वो आ जाते हैं हमारे लिक्विड एसेट। सो ये हो जाएगा हमारा बी। एंड देन कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर कौन सी होती है, जो भी हमारी सब्सक्राइब कैपिटल में से माइनस होती है, तो डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल, ये हो जाएगा सी। एंड रिटेन्ड अर्निंग कौन सी होती है, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है सो उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा प्रॉफिट का बचा लिया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस, बैलेंस का मतलब जो बचा लिया जाए, ठीक है, जो बैलेंस बचे प्रॉफिट लॉस का उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो ये हो जाएगा डी। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी जो है शेयर जितने ऑफर करती है उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाए, जैसे मान लो कंपनी ने 1000 शेयर ऑफर किए एंड 1200 की एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा की हो गई, सो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल, कंपनी को इशू करने थे 1000 और यहां पर जो एप्लीकेशन आई वो कितनी आई, 1200, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा ई का 6।
एंड द लास्ट है लूज टूल्स. लूज टूल्स क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं. ठीक है, सो ये हो गई हमारी मैचिंग. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल सी थी. देन हम देखेंगे एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू द लेक्चर, यही जो आज हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है. पेटेंट एंड कॉपीराइट क्या है? पेटेंट और कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट है, मूवेबल एसेट है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है या फिक्स्टिशियस एसेट है. सो पेटेंट और कॉपीराइट जो होते हैं हमारे वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है हमारा बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड नन ऑफ द एबव. सो बैलेंस शीट हमारी क्या शो करती है? एसेट एंड लायबिलिटीज. सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फंड फ्रॉम ऑपरेशन. सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट है वो शो करता है फंड फ्रॉम ऑपरेशंस. देन फोर्थ है फिक्स्ड एसेट 5 लाख के हैं, करंट एसेट आपके 3 लाख के हैं एंड करंट लायबिलिटीज 1 लाख की हैं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. सो इसको सॉल्व करके देखिएगा एंड इसमें ऑप्शंस आपको गिवन है 8 लाख, 7 लाख, 9 लाख एंड 6 लाख. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आपको गिवन है 5 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है 2 लाख, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीनरी 10,000, इसमें आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मुलेज भी करवाऊंगी इसके, जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल से रिलेटेड फॉर्मुले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आर शोन अंडर विच हेड इन द वर्टिकल बैलेंस शीट. अभी आपने बैलेंस शीट देखी है, सो इन तीनों क्वेश्चन को आप खुद से करोगे कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो कौन से हेड के अंडर आते हैं बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट में, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी या फिक्टिशियस एसेट. सो ये हो गए हमारे एमसीक्यू. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन एनालिसिस और क्या मेथड्स होते हैं, क्या टाइप होते हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं. ये है हमारा पीएनएल का फॉर्मेट एंड दिस इज बैलेंस शीट फॉर्मेट. ठीक है, सो ये हो गया एंड हमने कुछ मैचिंग और एमसीक्यू देखे रिलेटेड टू द लेक्चर. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.